विधान परिषद चुनाव में हमने जानबूझकर तीसरा उम्मीदवार उतारा था, जिसका मकसद उन लोगों को पकड़ना था जो कांग्रेस के चिन्ह पर जीतकर तो आए लेकिन साथ भाजपा का दे रहे थे। पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट आला कमान को भेज दी है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने यह बात कही। इसी के साथ वडेट्टीवार ने पूजा खेड़कर मामले को लेकर भाजपा पर सवाल उठाया और सरकार से गहन जांच करने सहित दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। इसी के साथ मराठा आरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में शरद पवार के शामिल होने के दावे को निराधार बताते हुए वडेट्टीवार ने छगन भुजबल को बताया झूठा। वडेट्टीवार ने कहा, हमारे संज्ञान में आया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायक हमारे साथ नहीं थे, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, लेकिन इस बार हम उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने गद्दारों को ढूंढ लिया है, हमारे पास उन लोगों की सूची है जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इन विधायकों पर एक रिपोर्ट दिल्ली में हमारी पार्टी के वरिष्ठ को भेज दी है ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पार्टी के वरिष्ठ लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।